Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The range of a particle when launched at an angle of 15 degree with horizontal is 1.5 km. What is the range of the projectile when launched at 45 degree to the horizontal? तो यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल है, उसको पहले हमने 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया तो हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिला 1.5 किलोमीटर। अब उसी पार्टिकल को हम अगर 45 डिग्री पर लॉन्च करते हैं तब हमें कितना रेंज मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो पहले हम कुछ डेटा यहाँ पर मेंशन कर देते हैं गिवन। सो फर्स्ट केस में जो हमारे पास एंगल है उसको नाम दिया हमने θ1 विच इज 15 डिग्री, और यहाँ पर जो रेंज है उसको नाम हमने दिया R1 विच इज 1.5 किलोमीटर। ओके, सो इसको बेसिकली हम 1.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तब हमें इसको मीटर में रखना पड़ेगा। सो इट इज 1500 मीटर। फिर सेकंड केस में हमारा एंगल हो जाता है 45 डिग्री, और हमें फिर इस केस में अब रेंज निकालना है। तो देखेंगे कि रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, उसको हमें कैसे यूज करना है। द फॉर्मूला फॉर द रेंज इज यू स्क्वायर, दैट मीन्स जो हमारी वेलोसिटी होगी, वैसे यहाँ पर मेंशन नहीं है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट आएगी भी नहीं अभी। और इसके बाद आता है sin 2θ, ठीक है, बाय जी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम पहला केस यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो पहले केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R1 इज यू स्क्वायर sin 2θ1 बाय जी। अभी सारी वैल्यूज हम यहाँ पर अभी पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है। सो R1 इज 1500, यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हमें इसको फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन sin 2 × 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 15 है, होल बाय जी। आपको जी की वैल्यू रखना तो आप रखिए, वरना इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1500 इक्वल टू u स्क्वायर, और ये आप इसको देख सकते हो sin 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये जी यहाँ पर नीचे। सो नाउ अब हम देखते हैं कि 1500 will be equal to u square by 2g, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इसको हम डायरेक्टली वहाँ पर रखेंगे सेकंड केस में। तो सेकंड केस में R2 is u square, देखिए ये तो चेंज हुआ नहीं है, ये हो जाएगा हमारा sin 2θ2 by g। R2 जो कि हमें निकालना है, सो इट इज सिंपली R2 ही रहेगा, एंड u स्क्वायर साइन, अब सेकंड केस में जो θ2 है हमारा वो है 45 डिग्री, सो इट इज 2 × 45 डिग्री, ठीक है, बाय जी। सो नाउ इट इज R2 u² / g, और ये हो जाएगा sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस से हमारे लिए बहुत अच्छी हेल्प मिल चुकी है, ये आप देखिए इसको u² / g जो वैल्यू है हो जाएगी 2 × 1500, सो इट इज़ नाउ 3000। तो 3000 हमें यहाँ पर डायरेक्टली रख देना है, सो ये हो जाएगा 3000 × 1, दैट मीन्स हमारा आंसर अब आ चुका है R2 is 3000 meter और 3 किलोमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।